नवरात्रि का पावन पर्व पूरी भव्यता के साथ काशी में मनाया गया, पूरे देश के अंदर मनाया गया। भगवान शिव के पावन नगरी, भगवान शिव मंगल के प्रतीक भी है और साथ साथ भगवान शिव का एक स्वरूप पांडवकारी भी है। घर के अंदर मंगलकारी रूप और दुश्मन के घर में तांडव, देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं को जिस द्रुत गति से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया, वैसे ही आतंकवादियों के आकाओं के घर में भारत की एयरफोर्स के द्वारा जो रौद्र रूप दिखा करके उन्हें नष्ट किया गया, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशील नेतृत्व में भारत ये नया भारत है और दुश्मन से आंख मिलाकर के बातचीत करने की क्षमता रखता है। अरे भाई भारत के स्वरूप में भी तेरा भी आ जाए एक बार पुनः दुनिया के सामने रखने के बाद काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का काशी में आगमन 8 मार्च को होगा। स्वाभाविक रूप से काशी के वैभव और काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण और उस पूरे परिक्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य योजना तैयार की है उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी जाएगी। देश और दुनिया में काशी को इस यशस्वी नेतृत्व के कारण जो पहचान मिली है वे अभिनंदनीय है और इस अवसर पर मैं आप सबको, पूरे काशीवासियों को और देवाधिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ के सभी भक्तों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।